Itu ya pork eh, chicken. तो दोस्तों ये फॉक्स जो है मैंने इसको छोटा छोटा फिश कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये मच्छी भी फिश कर चुका हूँ यहाँ पे, तो इसका भी दो आके रेडी हो गया ये मेरा तो यहाँ पे। और ये सब्जी है अलग से, ये मिक्स बनाएंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब, आई होप ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज भी बारिश हो रहा है हमारे यहाँ पे, देख सकते हो। तो हम आए अभी फ्रेश होने के लिए, मुँह माँ धो के फ्रेश हो गया हूँ मैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे लड़कियाँ काम कर रहा है यहाँ पे हमारी हैंडपम्प के पास में। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ थोड़ा सा, और बारिश भी आने वाला है वो भी दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है। आज जितना कुछ है मैं आज भी आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से जाने के बाद हम लोग को चौपाड़ी वगैरह उतरना है, तो चौपाड़ी हम लोग तोड़ने वाले हैं। तो एक बुढ़ा आदमी यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी बूढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो कटल काट रहा है यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए, कच्चा कटल। इसका नाम है सनिया, सनिया नाम है, और इसका नाम नहीं पता, पता नहीं छतरी वाली लड़की है ये। और यहाँ पे बर्तन धो रहा है, बर्तन मच रहा है यहाँ पे ना। तो ये पता नहीं कौन है, मैं भी नहीं जानता हूँ। और गाइस हम देख सकते हो हम भी पानी लेके जा रहा है यहाँ पे भर के। बारिश होने पर रास्ते में इतना सारा पानी होता है, देख सकते हो आप लोग ना। तो ऐसे करके पानी लेके जाना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि हमारी हैंडपम्प में भी मोटर चल नहीं रहा है, लाइट नहीं है। तो इसलिए हम लोग दूसरे की हैंडपम्प से ला रहे हैं। पानी पानी हो गया रास्ते में ना, तो देख सकते हो बिना पकड़े लेके जा रहा है भाई, कितना टैलेंट है देख सकते हैं। ऊपर में जो है उसको छुआ भी नहीं इसने, देख रहा है कितना टैलेंट है। एक कमर में एक सर पे लेके जा रहा है ये। और दोस्तों यहाँ पे बता दूँ आप लोग, पानी उठा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि धान जो है गिराने वाले हैं यहाँ पे। हम लोग धान मतलब गिरा के फिर बड़ा होने के बाद इसको लगाते हैं हल चलाने के बाद। तो ये पानी निकाल रहे हैं यहाँ पे, पानी उठाया जा रहा है और हल भी चलाया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो धान धान काटने वाला होता है ना, तो ये बांध लिया पिलर यहाँ पे। तो इससे हम लोग छुपारी तोड़ने वाला है, ठीक है। तो अभी वो भी दिखा दूँगा कैसे छुपारी तोड़ा जाता है। तो ये छुपारी की पैर है, यहाँ से तोड़ा जाएगा। अभी कैसे तोड़ता है आप लोग को दिखा देता हूँ। गिर गया ना एक, ऐसे तोड़ा जाता है, काटा जाता है छुपारी की पैर। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोग को, गिर गया, ठीक है। तो ये गिरा, तो गाइस ये रहा छुपारी काटने का तरीका, ठीक है। अभी हमारे पैर सब ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, छोटा छोटा है अभी, तो तोड़ने में आसान है। जब बड़ा हो जाता है ना और ज्यादा दिक्कत होती है, दो दो बंबू ज्वाइन करना पड़ता है उसके बाद। अभी तो कम है देखो। ओए गिर गया, ठीक है। तो ये तोड़ दिया मैंने इसको, और ये देख सकते इतना सारा गिर गया। तो एक पैर से और भी गिराने वाले हम इधर से, और भी है इधर ये। अबे भारी भारी वो है मुरुगन।
अभी हम सूर्य रखने जाएगा। हेलो देखो गाइस, अभी हम लोग सूर्य तो आप लोग देख सकते हो मैं सुगुरी रख रहा हूँ। अभी सुगुरी अच्छे से रख रहा हूँ। सुगुरी हम लोग सुगुरी बिहारी दुच्ची भिजे हो दिन हुई सिंगा हाँ मार दे বাহ শুন না মুই বেদাং নে কুমা জে কমু तो दोस्तों अभी मैं फिलहाल मार्केट जाके आया हूँ और चिकन वगैरह लाया हूँ मैं। तो छुपाड़ी बेचने गया था हम लोग ना, छुपाड़ी वगैरह बेच के फिर चिकन लेके आया, मच्छी लेके आया। तो आज हम लोग को बना के खाने वाले हैं और कुछ मेहमान भी आने वाले हैं, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। और ठीक है, तो चिकन क्या लाया हूँ मैं आप लोग को अभी दिखा दूंगा। तो दोस्तों ये फॉक्स जो है मैंने इसको छोटा छोटा फिश कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये मच्छी भी फिश कर चुका हूँ यहाँ पे, तो इसको भी दो दो दा के रेडी हो गया ये मेरा तो यहाँ पे। और ये सब्जी है अलग से, ये मिक्स बनाएंगे हम लोग, ऐसे बनाते हैं इसको। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है ये जो सब्जी है, मिक्स बनाते हैं तो हम लोग। प्याज डाल रहा है इसमें, तो यहाँ पे हम लोग मिर्ची नमक मिर्ची सारे मिक्स कर रखा है यहाँ पे, तो इसलिए देना नहीं पड़ेगा अलग से। तो टमाटर में डाल दे पहले से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एक सब्जी बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग तो ये देख सकते हो, ये तैयार हो गया हम लोग का। तो कलर भी आ गया, एकदम अच्छा कलर आ गया इसमें। तो इसमें अब मच्छी का तैयार किया जा रहा है यहाँ पे। तो पहले टमाटर को ग्रेवी कर रहा है, उसके बाद मच्छी डालेंगे। और मच्छी भी एकदम लोकल मच्छी है हमारी, जो कुएँ से पकड़ा था वो मच्छी है। तो दोस्तों हम लोग का यहाँ पे खाना बन चुका है, तैयार हो गया। ये मच्छी है और ये सब्जी है, तो ये फॉक्स है, ठीक है। तो अभी खाना निकल रहा है यहाँ पे खाना खाने के लिए। Ha 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 ha
तो दोस्तों हम लोग गेस्ट जो आए थे, हम लोग अभी उन लोग को खाना खिला रहे हैं यहाँ पे। खाना खिलाने के बाद उसके बाद हम अलग से खाना खाएंगे, क्योंकि इन लोग बातें कर रहे हैं ज़्यादा, तो मैं अलग से खाने जाऊँगा अभी, ठीक है। तो दोस्तों उधर मेरे जो गेस्ट वगैरह आया था ना, उन लोग उधर खा रहा है, तो मैं अलग से खा रहा हूँ, क्योंकि उन लोग थोड़ा बातें ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इधर अलग से खा रहा हूँ। तो ये बियर है हीमैन 9000, ठीक है। तो ये पोर्क है, ठीक है, चिकन। फिनिश हो गया, ठीक है, तो अभी खाना खाऊंगा। Thank you.
चिकन है ये ना फॉक्स। तो गाइस फिनिश हो चुका है ये खाना, खत्म हो गया मेरा। ठीक है तो मिर्ची वगैरह थोड़ा सा बचा ये भी खा लूंगा मैं। तो दोस्तों अभी मैं खाना खा चुका हूँ, खाना खाने के बाद सब कुछ हो गया मेरा। तो होने के बाद थोड़ा सा मैं अपनी जो बालकनी है तो बालकनी में अभी बैठा हूँ फिलहाल। तो मेरे साथ और भी है, क्यूट सी बच्चे भी है, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो क्यूट सी बच्चे उसको दिखा देता हूँ, ये रहा चाइनीज बच्चा, चाइनीज बच्चा है ये, है ना चाइनीज बच्चा, चाइनीज 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 बच्चा, चाइनीज बच्चा। और दोस्तों हमारे यहाँ पे दिल्ली वगैरह में, तो मुंबई दिल्ली मुंबई में इतना गर्मी है कि पूछो मत। हमारे यहाँ पे मौसम ऐसा है पूरा ठंडा, देख सकते हो स्वेटर पहन रहा हूँ अभी मैं, तो ठंडी बहुत है और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मौसम भी देख सकते हो धूप निकलने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। तो कोई भी अगर मेरे व्यूअर्स वगैरह है, कोई भी अगर हमारे गांव में घूमना चाहता है तो कमेंट करना, ठीक है तो कमेंट करना, तो मैं आप लोग को घुमा दूंगा। हमारे गांव में जितना चीज़ें हैं देखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं बारिश की वजह से आप लोग को दिखा नहीं पा रहा हूँ उतना, क्या है क्या नहीं है, बहुत कुछ है हमारे अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए। तो कमेंट करना, फिर भी मैं ज़्यादा दिन नहीं हूँ, कुछ दिन रहने वाला हूँ गाँव में, उसके बाद फिर दिल्ली जाऊँगा, क्योंकि मेरी यूट्यूब से अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं हुआ। अगर नहीं होना स्टार्ट हो जाता तो मैं गांव में रह जाता, दिल्ली वगैरह नहीं जाता कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कमाई कुछ नहीं है हमारे लिए। तो कमाई तो है लेकिन वो काम मैं नहीं कर सकता ना, तो इसलिए अगर जल्दी से मेरी यूट्यूब चैनल मोनिटाइज तो हो गया, लेकिन हाफ मोनिटाइज हो गया, तो पूरा मोनिटाइज हो जाएगा, उसके बाद अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं गाँव में रहूँगा, हर चीज़ आप लोग को गाँव के बारे में दिखाऊँगा, जितने कुछ है पहाड़ से लेके हर चीज़, नदी से लेके पहाड़, सारे चीज़ आप लोग को दिखाऊंगा। तो इसलिए अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे भी, जो भी अगर हमारे वीडियो देख रहा है ना, तो प्लीज़ चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, तो लाइक कर देना और प्यारा प्यारा सा कमेंट कर देना आप लोग। अगर ऐसे कमेंट करते हो यार बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग के प्यारा सा कमेंट देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है, हमें भी सुकून मिलता है। तो हमें मतलब आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो हम लोग को मतलब मन करता है और इससे बेहतर वीडियो दूँ, इससे बेहतर ब्लॉग आप लोग के लिए बनाऊँ, ऐसा फील होता है मतलब ना। तो गाइस बारिश स्टार्ट हो गया, मैंने बोला था आप लोग को ना बारिश के लिए। शिवो वीडियो डर वाह। तो ये भी एक चाइनीज लड़की, देख सकते बिल्कुल चाइनीज लग रहा है ना। तो बारिश स्टार्ट हो गया, दिखा देता आप लोग को ना। तो ये रहा बारिश, देख सकते हो मैंने जैसे आप लोग को बोला था उसी टाइम से बारिश स्टार्ट हो गया। तो हल्का हल्की बारिश हो रहा है यहाँ पे, हल्की क्या ज़्यादा ही हो रहा है बारिश यहाँ पे। तो यहाँ पे निकल रहा है हमारे मेहमान सब, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से चाइनीज लड़की आ रखा है।